जिंदा आदमी को मृत घोषित कर बैंक से निकाल लिए बीमा क्लेम के 2 लाख रुपए। जिले के इंद्रगढ़ तहसील के ग्राम उचाड में एक चौंकाने वाला अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर बीमा क्लेम की 2 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई। जितेंद्र पुत्र नाथुराम जाटव निवासी उचाड ने बताया कि उसका बैंक खाता क्रमांक 3306317346 है, जो बीमा पॉलिसी नंबर 7600100135 है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसको मृत बताकर उसकी मृत्यु का दावा करके बीमा क्लेम की राशि को निकाल लिया था। आवेदक जितेंद्र जाटव ने स्टेट बैंक ऑफ शाखा उचाट से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कराया था। किसी ने उसे मृत बताकर उसके बीमा क्लेम की राशि फर्जी तरीके से निकाल ली गई थी। अपने साथ हुई घटना की जानकारी जब जितेंद्र जाटव को मिली तो उसने तत्काल स्टेट बैंक शाखा उचाड में जाकर संपर्क किया और बैंक शाखा प्रभारी से पूछा कि जब मैं अभी जिंदा हूं तो मेरा बीमा क्लेम किसी प्रकार से बाहर कैसा निकला है। जानकारी लगते ही बैंक शाखा प्रभारी के होश उड़ गए। मामले की जांच कराई गई। जांच में ब्रांच मैनेजर ने पूर्ण सहयोग करते हुए बताया कि स्टेट बैंक शाखा उचाड से आपका बीमा किया गया था, मगर क्लेम राशि हमारे यहां से नहीं कहीं और से निकाली गई है। जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर बीमा क्लेम निकालने की घटना का फ्रॉड अब जांच का विषय बना हुआ है। संदर्भ में आवेदन जितेंद्र जाटव ने बैंक से संबंधित और बीमा कंपनी और दतिया जिला प्रशासन से जांच करने की मांग करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। शिव रमन सिंह राठौर की। क्या नाम है भैया? जितेंद्र जाटव। कहाँ के रहने वासी हूँ? ग्राम उचाड़ जिला दतिया मध्य प्रदेश। क्या समस्या हुई थी आपको? मेरी ये समस्या हुई कि भारतीय स्टेट बैंक उचाड़ में मेरा बीमा था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका मेरा मृत्यु का दावा करके क्लेम निकल गया है और मुझे पता नहीं है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र जब जारी हुआ तो सरपंच या सचिव के द्वारा किया गया होगा जारी? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है किसी के भी द्वारा हुआ हो। क्लेम निकाल ली गई है जैसा कि बैंक वालों ने भी बताया और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बैंक वाले, ये भी मुझे उन्होंने लिख के दिया कि क्लेम हमारे यहाँ से नहीं हुआ है। कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं? कंपनी वाले बोल रहे हैं कि बैंक में जाइए, बैंक से जानकारी मिलेगी। बैंक वाले हमारे पास डॉक्यूमेंट भेजते हैं जब भी हम क्लेम करते हैं, नहीं तो हम पैसा नहीं देते। ऐसे बैंक वालों की आईडी लगती है। क्या मांग करते हैं आप? मैं ये मांग करता हूँ कि मैं अभी जीवित हूँ और मैं मृत घोषित कैसे हो गया कागजों में?